आ रहे हैं पंचवटी पंचवटी देखने जा रहे हैं। वहाँ पे आपको भी दिखा देंगे क्या वहाँ हम नहाएंगे धोएंगे नदी में नहाएंगे अपनी गोदावरी नदी में। रिक्शा किया है 2004 में। तेरा घर जाएगा इसमें 10 घंटे के लिए हमने ऑटो तो बुक कर लिया। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ क्या क्या देख पाते हैं, क्या क्या कर पाते हैं हम इन 10 घंटों में। आप बने रहना इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। और हम अपनी आध्यात्मिक टूर की शुरुआत गोदावरी तट से करेंगे। उत्तर भारत में जो महत्व गंगा माँ का है ना, वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी माँ का है। और मेरे साथ है दीपचंद जोशी जी, दीपचंद जोशी जी के जीजा जी और जीजा जी के भाई, जो हमें नासिक टूर में गाइड करेंगे और हमें हर चीज़ की जानकारी देंगे। और यहाँ पर आकर इतना सुकून मिल रहा है ना मन को कि क्या बताऊँ आपको। और आपको पता है राम जी वनवास के लिए आए थे ना, तो वो यहीं पर स्नान किया करते थे, इसीलिए इस जगह को रामकुंड भी कहा जाता है। और मुझे भी यहाँ पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए जोशी जी का शुक्रिया। आई लव यू जोशी जी। मुझे यार फिर क्यों धोनी की बेले डेढ़ सौ गाय तो तू ही लिया था, कोई ज़्यादा मेमोर बने तो जोशीदार पिंड दान का जोड़ा दे दिया। और हाँ, भगवान राम ने अपने पिता की अस्थियां इसी नदी में बहाई थी या विसर्जित की थी, जो भी तुम समझ सकते हो। और अब हम भी चले रामकुंड में स्नान करने के लिए। और अब आप ये सोच रहे होगे, इसे बड़ा पता है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है, इसे क्या पता। तो बता दूं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको जोशी जी के जीजा जी, ये हैं बहुत बड़े ज्योतिषी जिनके पास ज्ञान का भंडार है। भाई साहब मानोगे नहीं तुम। नदी का बहाव बहुत तेज है यार। नदी का बहाव सही में बहुत तेज है यार। और मुझे यहाँ पे आके पता चला जोशी जी को डर लग रहा है डुबकी लगाने में भी। विश्वास नहीं है तो अभी देखना। जोशी जी को अपना सिर अंदर ले जाने में इतना डर लग रहा है ना भाई साहब, क्या बताऊं। अब ये रह भी तो मारवाड़ के लोग हैं ना, इन्होंने कभी इतना पानी देखा, कब नदी में नहाए। ये रेगिस्तानी टीलों में पलने वाले इन्हें क्या बता ये सब। अब तुम भी कहोगे तू भी तो मारवाड़ का ही है, तू क्यों इतना ज्ञान दे रहा है। मैं मारवाड़ का हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई भी मारवाड़ का कण भी नहीं है कुछ ऐसा। अपन यार सिटी में रहने वाले लोग, मेट्रो सिटी में अपन तो नदी क्या समुंदर पार कर जाए, ये तो छोटी मोटी नदी है। देंगे ये तुमको ना, वो देखो आए बुकरे बॉयज बगला देंगे तुमको आज, वो देखो आए।
चटपटे सपनों पे हनी का सेटिंग बिठाना, सपनों की सुपर पावर से स्कूल में स्वैग दिखाना, लाली का डर पड़े पापा की चपेट, भोली का रॉकेट बनाना, पंडित जी का जुगाड़ मजा हाहाकार, चुस्की सर के गुस्से की दहाड़, केड़ी इनकी चाल हो गया बवाल, सत्य करे पूरा हाल आ गया भुचाल, नचा देंगे ये तुमको ना और ये अब हमारा स्नान हो गया, बहुत टाइम लग गया मुझे पता है, लेकिन भाई हैं तो मुझे लेके जाएंगे। और ये मेरा नया शर्ट भी पहन लिया मैंने। और ये मंदिर 12 साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जब कुंभ का मेला लगता है तब खुलता है ये मंदिर। और यहीं पास में रामकुंड के ये मंदिर है, जिसे देखने के लिए मैं और जोशी जी दोनों निकल पड़ते हैं। और थोड़ी सी दूर जाते ही वहाँ पे कुछ हल्दी और चंदन से कुछ लगाया जा रहा था, तो हमने भी लगवा लिया। और ये मैं थोड़ा सा भी तरने लग गया यार, मंदिर में जा रहा हूँ। जोशी जी बोल रहे हैं मेरी फ़ोटो लेते रहे ना मैं इसकी फ़ोटो लेने आया हूँ। जोशी जी, हाँ जी, हाय, कैसे लग रहा है आपको यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं मंदिर में। इस मंदिर के बारे में मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली नहीं, क्योंकि जोशी जी के जीजा जी और उनके भाई दोनों बाहर हैं, क्योंकि वो कल ही काका या काकोसा बने हैं। उनके यहाँ सुआ या सूतक लग रखा है, तो वो मंदिर के अंदर आ नहीं सकते। वो जो भी बोलते हैं वो लग रखा है। और हम भी अब सिर्फ मंदिर में दर्शन करेंगे और चले जाएंगे परिक्रमा लगा के। ये कुछ और मूर्तियां रखी हुई हैं यहाँ पे, और मैं अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा और इतरने लग जाता हूँ तो पता नहीं यार क्यों। अब हम जा रहे हैं वैसे सीता गुफा की ओर, जिसकी दूरी यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की है, लेकिन अब रिक्शा किया है तो उसका फ़ायदा तो उठाए ना थोड़ा, तो चल दिए रिक्शे में बैठ के। ये अभी हमें उतार देगा, थोड़ी 2 ही मिनट में उतार देगा। 5 मिनट का तो पैदल का रास्ता है। ये आगे सीता गुफा, पंचवटी के नाम से भी जानते हैं इसे, यही है पंचवटी, क्योंकि यहाँ पे 5 बरगद के पेड़ है ना, इसलिए इस जगह को पंचवटी कहते हैं। धन्यवाद। फिर वापस जाएंगे पीछे थे। और काफ़ी शांत लग रहा है यार यहाँ पर। और कहते हैं नासिक बहुत ही शांत जगह है, और यहाँ के लोग भी, जैसे कि हमारे रिक्शे वाले भैया, शांत और हेल्पफुल दोनों ही। और अब हम चले सीता माता की गुफा में। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन हम ठहरे मारवाड़ी, हम किसकी सुनने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है यार ये। जय श्री राम। और यही वह जगह है जहाँ पे वनवास के समय सीता माता भगवान शिव की आराधना किया करती थी। अब सीता माता के दर्शन के बाद भगवान राम के दर्शन करने भी अनिवार्य हैं, तो अब हम चल दिए काला राम मंदिर,
जिसमें भगवान राम की मूर्ति काली है, जिसके दर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।